श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान शिव पर, यानी कि शंकर जी का जो शिवलिंग है, उसके ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है वो किस तरह से चढ़ाया जाता है। उसको बैठकर चढ़ाना चाहिए या खड़े खड़े चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग की ऐसी शिकायत होती है कि हम तो बहुत दिनों से भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शिव के जो शिवलिंग है उसके ऊपर बहुत सालों से जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको उसका कोई खास फल प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए, यानी कि आप को जल बैठे बैठे चढ़ाना चाहिए या फिर खड़े होकर चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शक्ति शिवलिंग और एक होता है विष्णु शिवलिंग। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, मेरे पास ये दो तरह के शिवलिंग है, मैं आपको बताता हूँ। ये वो शिवलिंग है जिसके अंदर जिसके नीचे कोई स्टैंड नहीं है, यानी डायरेक्ट ये इस टाइप का शिवलिंग होता है, जो इसमें केवल एक जलाधारी होती है, सिर्फ जलाधारी होती है और उसके ऊपर फिर यहाँ पे भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो लगा रहता है। तो इस टाइप की जो शिवलिंग है इसको हम बोलते हैं शक्ति शिवलिंग। ठीक है, इसमें देखिए नीचे स्टैंड नहीं है, डायरेक्ट ये एक क्या है, एक डायरेक्ट एक जलाधारी है और जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है। इस टाइप की जो शिवलिंग है, इस प्रकार का जो शिवलिंग है, इसको बोलते हैं हम शक्ति शिवलिंग। ठीक है, फिर दूसरा मेरे पास ये शिवलिंग है, देखिए मैं इसको फुल हटा देता हूँ। अब ये देख रहे हैं आप शिवलिंग, इसमें क्या है, स्टैंड जैसा है ये आप स्टैंड देख रहे हैं ना, ये स्टैंड नहीं बल्कि ये भगवान विष्णु का हस्त कमल है। तो ये जो भगवान विष्णु का हाथ है, तो इस तरह के जो शिवलिंग होते हैं जिसमें आप स्टैंड नुमा की तरफ देखेंगे, मतलब एक स्टैंड जैसा आपको नजर आएगा और इसके बाद फिर जलाधारी शुरू होती है, इस टाइप के जो शिवलिंग होते हैं उनको विष्णु शिवलिंग बोला जाता है। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि शिवलिंग किस टाइप के, दो टाइप के होते हैं, दोनों प्रकार के जो शिवलिंग है मैंने आपको बता दिया। अब इनके ऊपर जो जल चढ़ाने का तरीका बताता हूँ। तो जिस शिवलिंग के नीचे इस प्रकार का स्टैंड लगा होता है, आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा इस टाइप का स्टैंड लगा रहता है, स्टैंड मतलब थोड़ा ऊपर उठ के शिवलिंग होता है, तो ऐसे शिवलिंग के ऊपर जब जल चढ़ा जाता है तो खड़े होकर जल चढ़ा जाता है। ध्यान रखें, जो विष्णु शिवलिंग होता है, विष्णु शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है वो खड़े खड़े चढ़ाया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो शक्ति शिवलिंग है, इस टाइप का शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर जब आप जल चढ़ाएं तो आप बैठे बैठे जल चढ़ाएं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि किस शिवलिंग के ऊपर बैठे बैठे जल चढ़ाना है और किस शिवलिंग के ऊपर खड़े खड़े चढ़ाना है। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब आप विष्णु शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं तो ये ध्यान रखें कि आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं रहे, इस टाइप से पैर ना रहे, मैंने दोनों पैर को बिल्कुल आप बिल्कुल एक सीध में नहीं रखेंगे, थोड़े से आगे पीछे करके खड़े हों और फिर आप जल चढ़ाएं। विष्णु शिवलिंग के ऊपर जब भी आप जल चढ़ाओगे तो अपने पैरों पर ध्यान दीजिए कि पैर जो है आपके बिल्कुल इस टाइप से न रहे, बल्कि थोड़े आगे पीछे होना चाहिए उस पैर को। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप जल चढ़ाओगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए पैर किधर है या कौन से शिवलिंग पर किस प्रकार से जल चढ़ाया जा रहा है, इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है कि भगवान भावना के ही भूखे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर वाले ने, आपकी मम्मी ने, आपकी बहन ने, आपके मिसेस ने आप खाना बनाया और वो खाना आपको खाना है। ठीक है, लेकिन अगर खाना स्वादिष्ट होगा, खाना सही तरीके से दिया जाएगा, थाली में अच्छे से सजाया जाएगा, तो वो खाना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जितना बना नहीं होगा उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर वो खाना आपको सही तरीके से परोसा गया हो तो। ठीक उसी प्रकार से हम भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं तो वो उसको स्वीकार तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप उनको वो स्वीकार दे रहे हैं, जिस प्रकार से आप उस चीज़ों को चढ़ा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छी तरीके से आप उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए तो मेरी यही सलाह है कि आप जो भी हमारे पुराणों में, जो भी हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें जो तरीका लिखा गया है, उसी तरीके से अगर आप करोगे तो उसका ज़्यादा फल मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आगे भी मैं इस प्रकार की जो ज्ञानवर्धक वीडियो है वो लेकर आऊँगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।